जुगल सर ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि लोकोपैटी एएलपी में टी स्कोर क्या होता है। इस बात को लेकर आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि टी स्कोर क्या होता है, क्योंकि लड़कों को ये बार बार क्वेश्चन सर आए कि सर हमारे टी स्कोर जो आता है वो कैसे आता कैसे आता, आपकी टेस्ट सीरीज में भी टी स्कोर आपने डाला हुआ जो कि उसमें किस तरह से आप प्रदर्शित करते हो, कैसे बता रहे हो, ये टी स्कोर को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन इश्यू बना हुआ। तो टी स्कोर आपका मेरे द्वारा या निर्धारित नहीं है, ये आरआरबी के द्वारा निर्धारित किया गया वही फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं टी स्कोर। टी स्कोर फॉर्मूला की अगर बात करता हूं तो यहां पर देखिएगा ये लिखा हुआ 50+10, ये आपके जो है एक ही कॉन्स्टेंट वैल्यू आर आर बी निर्धारित की है। इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ एक्स माइनस मीन और बटे बात करते हैं तो यहाँ पर एस डी, एस डी का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि आपका मानक विचलन होता है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ अगर बात करते हैं तो ये तो फॉर्मूला है जो आप देख पा रहे हो, लेकिन मैं आपको भी इसी फॉर्मूले से काफ़ी सारी चीज़ें बताता हूँ प्रत्येक बैटरी सेक्शन का कि कैसे आपके निकलता है और अलग अलग का अलग अलग कैसे आता है। जब पहली बार करते हो तो कैसे चेंज हो जाता है, दूसरी बार में अलग आपका टी स्कोर आता है, तो ये अलग अलग किस तरह से प्राप्त हो रहा है, तो टी स्कोर को लेकर का बड़ा कन्फ्यूजन था, आज उसी को मैं दूर करना चाहूंगा। सबसे पहले इस पर आते हैं तो मेमोरी टेस्ट की बात करते हैं। तो मेमोरी टेस्ट का जो है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हाउस टेस्ट का एग्जांपल लेते हैं तो कैसी कंडीशंस होगी आपके, तो इसमें आपको सबसे पहले ये क्लियर कर लेना है कि टी स्कोर में मैक्सिमम कंडीशन क्या होती है, मिनिमम क्या होती है। मैं आपको बताता हूँ टी स्कोर में जो है मिनिमम जो है 20 रहेगा, 20 रहेगा, मैक्सिमम 80 मतलब आपके 80 रहेगा, ये कंडीशंस आपके। तो 20 से 80 के बीच में आपका टी स्कोर रहेगा। मान लीजिए किसी ने एक नंबर भी किया ना तब भी उसका कम से कम कितना जाएगा, 20 तो जाएगा ही जाएगा, इससे कम उसका क्या नहीं होगा, टी स्कोर नहीं होगा। मतलब अगर किसी ने मान लीजिए 24 में से 24 ही कर डाले तब भी उसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, या 80 हो सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है 80 हो, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये चीज़ कंडीशन में मतलब 80 से ज़्यादा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर यहाँ 20 से ज़्यादा हो सकता है, 80 से कम, ये आपका टोटल टी स्कोर की बात कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कैसी कंडीशंस आपके साथ होगी, तो मैं आपको यहाँ पर बताना जा रहा हूँ सबसे पहले कि इसका मतलब क्या है प्रत्येक का। सबसे पहले आपके स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करता हूँ, तो स्टूडेंट कितने हैं, जैसे मैंने 15 स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया, 15 का ले लिया, आप इस आपके यहाँ पर जो है आरआरबी के पास में कम से कम 3 लाख के लगभग स्टूडेंट रहेंगे, 2.5 लाख के लगभग स्टूडेंट रहेंगे, 2 लाख के लगभग स्टूडेंट रहेंगे, जो भी आरआरबी के द्वारा स्टूडेंट, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये रहेगी। मैंने यहाँ 15 का एग्जांपल लेकर 15 का एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूँ, वही चीज़ आपको क्लियर और स्पष्ट कर लेना है। समझने की बात आपको और बताता हूँ, तो ये है स्टूडेंट नंबर से यहाँ पर बात करते हैं। करेक्ट आंसर अगर बात की जाए तो करेक्ट आंसर का क्या क्या इशू आएगा, तो करेक्ट आंसर जो है आपके यहाँ एक्स का जो मान दिया ना, आप सोच रहे कि एक्स क्या है सर, तो एक्स का मतलब होता है करेक्ट आंसर। तो आपने कितने सही आंसर किए, टोटल मेमोरी का ले रहा हूँ, तो मेमोरी मान लीजिए हाउस वाले का ले रहा हूँ, तो 24 में से ले रहा हूँ मैं, टोटल कितने होते हैं 24। अब 24 में से मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है कितने होंगे, इसको एक्स बोलते हैं। मैं एक एक चीज़ ज्ञात कर लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद उसके आधार पर आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। तो यहाँ करेक्ट आंसर 24 है। अब पहले वाले स्टूडेंट ने मान लीजिए 24 में से 24 कर डाले, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था आपकी तरह बुद्धिजीवी, 24 में से 24 कर डाले पहले वाले ने, कितने, दूसरे वाले ने किया तो 20 कर दिए, कितने कर दिए, तीसरे वाले ने किया तो कितने, 18 कर दिया, और चौथे वाले ने कितने कर दिए, पांचवे वाले ने देखो तो 23, छठे वाले की देखो तो 20, सातवें की देखो, आठवें की देखो, यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं जो कम कम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के जो ज़्यादा भी ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं जो 24 में से 24 भी कर रहे हैं। ऐसी स्टेप आपके साथ बनेगी यहाँ पर, ये यह है आपका एक्स। अब ये सही करने वालों की कुल, सही करने वालों की कुल संख्या कितनी होगी, आपके यहाँ पर टोटल मैंने योग कर दिया, जैसे 280, ये कंडीशंस आपके सामने हैं 280, ये कंडीशंस आपके यहाँ पर मैंने बताई, ये सारा का सारा जो मान हुआ अपन को ज्ञात, वो अपने एक्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक्स। तो करेक्ट जो आंसर है वो एक्स कहलाता, क्या कहलाता, एक्स, और यहाँ स्टूडेंट का नंबर। अब मैं बात बताऊँ तो मीन क्या होता, आपने माध्य पढ़ा होगा, माध्य पढ़ते आए सर पता आपको, तो माध्य जब पढ़ा तो माध्य निकालने के सम ऑफ करेक्ट आंसर, मतलब सभी करेक्ट आंसर का योग, सही क्वेश्चनों का योग, यहाँ कितना हुआ 280, यहाँ कितना हुआ 280, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 15, 15 आपके ज़्यादा रहेंगे, वहाँ कितने रहेंगे 3000 रहेंगे, 2-3 लाख रहेंगे, 2 लाख रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, वो कंडीशंस आपके आरआरबी के अनुसार जितने भी पास किए गए वो टोटल का आएगा। तो यहाँ कंडीशंस मैंने एग्जाम्पल 15 का लेकर बता दिया, यहाँ 80 आपको 280 दे दिया। अब कंडीशन क्या आएगी कि देखो मीन मेरे को निकालना, क्योंकि यहाँ एक्स का पता चल गया आपको कि एक्स क्या चीज़ है, लेकिन मीन आपको पता नहीं चल रहा था, माध्य आपको पता नहीं चलता, उसका फॉर्मूला मैंने आपके लिख दिया। अब मीन का जो है फॉर्मूला लिखा तो मैं इसका निकाल के बता दूं आपको, तो ये 280 कहाँ से लाया हूँ,
200 सम ऑफ करेक्ट आंसर्स, मतलब सभी करेक्ट आंसरों का योग, जोड़ दिया मैंने और जोड़ने के बाद प्राप्त हुआ 280, तो 280 यहाँ लिख दिया। इस चीज़ को मैंने यहाँ से लिया और यहाँ 280 लिख दिया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर स्टूडेंट ये रहा आपने पास 15 मैक्सिमम, तो 15 का उसमें भाग दिया तो यहाँ राउंड फिगर में कितना आया, 19। राउंड फिगर में आपके साथ में 19 आ गया। ये चीज़ देखिएगा, ये राउंड फिगर है, इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है, जैसे पॉइंटम आता, मैं वो भी बता दूंगा आपको, इस स्टेप को भी आपको क्लियर कर दूंगा कि पॉइंटम कैसे आता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंटों में जैसे मतलब जैसे की बात करते हैं, पॉइंटों का बता दो, देखिएगा जैसे बात करते हैं तो पॉइंटों का कैसे आता है इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए आपके यूँ कंडीशन आ जाता है कि 50 से ऊपर आ जाता, 50 से ऊपर आ जाता तो उस केस को क्या करेंगे, 50 से ऊपर आ जाता तो उस केस को क्या करेंगे, आपके सामने कंडीशन आ जाएगा वो जैसे अगले में कन्वर्ट हो जाता, कम आ जाता तो वो अपने उसके निचले वाले में कन्वर्ट हो जाता। ये तो अपन यहाँ पर, ये तो राउंड फिगर का मामला क्लियर आपको। इसके बाद अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर अपन बात करते थे एक्स माइनस मीन, एक्स माइनस मीन ज्ञात करने के लिए ये कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी। अब एक्स की कंडीशन आपके सामने मैंने पहले ही बता दी थी, एक्स क्या है यहाँ पर, ये स्टूडेंट जिन्होंने सही कितने किए, 24 में से टोटल कितने थे, 24 में से सही कितने किए, मेमोरी टेस्ट का जिक्र कर रहा हूँ हाउस वाले का, 24 में से सही कितने किए, ये कंडीशंस आपकी होती है। अतः 24 में से सही किए हैं वही स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, तो 24 में से सही कितने किए ये तो आपके। अब मीन्स क्या आया, मीन क्या आया, तो मीन की कंडीशन अपने पास में यहाँ से आया और इसको मैं लेस कर दूँ, माइनस कर दूं तो घटाने के बाद जो मेरे को प्राप्त होगा वो कंडीशंस क्या होगी, इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। तो मैं यहां पर इसको घटा देता हूं तो लेस करने के बाद आता अपने पास में, देखिएगा यहां 24 में से 19 घटा दिए कितने, 5 एक्स माइनस मीन, एक्स माइनस मीन यहाँ पर 20 में से 19 घटाए एक बच गया, 18 में से यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, आप देख सकते हो जितना यहाँ मान लीजिए 20 में से कितने 19 गए तो 4, यहाँ 20 में से एक, यहाँ पर देखो कंडीशन देखो 25 में से 19 यहाँ पर, देखेगा अब यहाँ ध्यान रखना 25 नहीं होगा, यहाँ मैक्सिमम कितना होगा, यहाँ कंडीशन 24 ही हो सकता अधिकतम, जैसे आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना, यहाँ 25 हो ही नहीं सकता अधिकतम 24 हो सकता, अतः यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया। देखो अब देखो आप, आपके सामने कंडीशन बदल गई है, यहाँ से तत्काल चेंज कर दिया तो यहाँ कंडीशन 23, यहाँ 4 आ गए, यहां पर देखो 14, यहां जो कंडीशन है आपको देखना है एक एक चीज क्लियर कर लेना, तो यहां इसमें माइनस भी आ रहा, क्या रहा, इसमें माइनस भी आ रहा, तो ये कंडीशन आपका नहीं, यहां पर माइनस लगाया हो, यहां पर माइनस लगाओ तो कुछ कुछ जगह माइनस आ रहा, कुछ कुछ जगह प्लस आ रहा, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रख लेना, यहां तक की जो कंडीशन है कितने में से कितने घटाना, तो एक्स में से माइनस कर देता है अपन मीन्स को तो आपको क्या प्राप्त होता है, वैल्यू प्राप्त होती है, और ये वैल्यू प्राप्त होती है जिसको बात करते हैं, तो यहां पर एक्स माइनस मीन ये आपको यहां लिखने पड़ेंगे जिसको मैं आगे बताऊंगा इसी क्रम में। लेकिन बात करते हैं अब यहां जो कंडीशन है, एक चीज आपको ध्यान रखना, इसके लिए मेरे को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, देखिएगा वेरिएंस, वेरिएंस कहाँ से लाऊंगा मैं, अरे यहाँ पर मेरे को एच डी भी तो चाहिए भाई, अभी तो मैंने यहाँ पर आपको एक्स बताया, एक्स माइनस मीन बता दिया, ये दो चीज़ प्राप्त करने के लिए यहाँ तक पहुँच गया, ये दो चीज़ प्राप्त करने के लिए यहाँ तक पहुँच गया, तो इसके आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो मेमोरी टेस्ट में यहाँ पर मेरे को चाहिए, देखिएगा ये जी एच डी, मानक विचलन भी चाहिए, और मानक विचलन की बात करते हैं तो ये यहाँ पर कंडीशन समझ सकते हो, यहाँ की क्या कंडीशन होगी मानक विचलन निकालने के लिए, रूड वेरिएंस, रूड वेरिएंस। अब आप कहोगे सर वेरिएंस क्या होता है, अरे वेरिएंस का भी एक फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, वेरिएंस का भी फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा, अब यहाँ कोष्टक देख लीजिएगा, ध्यान रखना कोष्टक एक्स माइनस मीन, ये सेम कंडीशन, एक्स माइनस मीन का यहाँ ध्यान रखना मीन का स्क्वायर है, क्या है, मीन का स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स माइनस मीन का स्क्वायर है नंबर ऑफ स्टूडेंट, अर्थात नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये रहा अपने पास 15, आपके साथ में ज़्यादा हो सकते हैं, जरूरी नहीं आप जब जब मेरे टेस्ट सीरीज में दे रहे हो उस टाइम पर 4000 स्टूडेंट दे रहे हो, 5000 स्टूडेंट दे रहे हो, 10000 स्टूडेंट दे रहे हो या 50 स्टूडेंट दे रहे हो, ऐसे हो सकता है, तो वो इसलिए आपका जो टी स्कोर घटता बढ़ता बदलता रहता परिवर्तन होता रहता, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अतः आपके देखिएगा जैसे 10 मिनट पहले दिया था आपने उसी टेस्ट को तो आपका टी स्कोर अलग आ रहा होगा, लेकिन 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद 2 मिनट बाद फिर से दे रहे हो तो आपके उस टाइम में टोटल स्टूडेंट कितने दे रहे हैं उसका आएगा, वो तो बदलता रहता है, ये ऑटो है, ऑटो इसको यूज करते हैं, सर पहले उसी में ज्यादा आया था अब कम आया, पहले उसी में कम आया था अब ज्यादा आया, ऐसी स्टेप आपके साथ बदली है, ऐसी स्टेप आपके साथ बदली है, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जो कंडीशन है तो ये कंडीशन आपके साथ में हो रही है,
अब वेरिएंस निकालना दोस्तों, वेरिएंस निकालने के लिए तो ये कि यहाँ जोड़ करना है, क्या करना, सिग्मा। अब जोड़ करने के बाद आपका वेरिएंस की कंडीशंस आपके यहाँ पर आ गया, तो यहाँ जो कंडीशंस है इसको निकालना था। अब निकालने के लिए आपके सामने कंडीशंस है कि यहाँ तक की जो कंडीशन थी ये कहाँ से आया था आपके, एक्स माइनस मीन स्क्वायर, ये निकाला गया। और ये निकालने के लिए यहाँ जो कंडीशन है इसका क्या करना पड़ा, यहाँ पर क्या करना पड़ा इसका, ये कंडीशन आपको कहाँ से आई थी, स्क्वायर करने पर, कहाँ से आई थी, स्क्वायर करने पर। स्क्वायर कहाँ रहा, स्क्वायर दिया हुआ फॉर्मूले में, स्क्वायर कहाँ रहा, दिया गया फॉर्मूले में। यहां से तो पांच का स्क्वायर कितना होता, 25, एक का एक समझ रहे ना स्क्वायर। यहां पर बात करते हैं तो चार का 16, यहां पर एक का एक, चार का 16, पांच का 25, ऐसे आपके यहां सात का 49, तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ देख सकते हो स्क्वायर में। ये यहां स्क्वायर करके मैंने लिख दिया। अब स्क्वायर का भी क्या कर दिया मैंने, टोटल सभी का क्या कर दिया, योग कर दिया दोस्तों। इसकी बात कर रहा हूं तो स्क्वायर का भी मैंने योग कर दिया, स्क्वायर का भी मैंने योग कर दिया, वही चीज आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, इस आधार पर अब वेरिएंस निकाल सकता हूं, तो सिग्मा मतलब इनको जोड़ दूं, तो सबसे पहले क्या कंडीशन है, ये टोटल आ गया। वेरिएंस की बात करते हैं तो यहां जैसे टोटल आया आपके, इसको लिया मैंने 239 ले लिया, यहां पर इसमें 15 का भाग दे दिया, भाग देने के बाद 16 प्राप्त होता है, राउंड फिगर में प्राप्त होता है, कैसा होता, राउंड फिगर में प्राप्त होता, तो ये कंडीशन है। अब आपको एच डी ज्ञात करना था तो वेरिएंस ज्ञात करना है, यहां कंडीशन से आपके 16 प्राप्त हुआ, तो यहां पर देखिएगा एच डी ज्ञात करने के लिए इसको क्या करना, रूट करना होता है। तो यहां पर देखिएगा बात करते हैं इस 16 का, किसका, ये 16 का रूट आपके कितना होता, 4 होता है। यहां देख दो तो एच डी अपन को प्राप्त हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने प्राप्त किया था यहां x जो यहां लिखा, दूसरे नंबर प्राप्त किया मीन जो यहां लिखा, तीसरे नंबर पे x और माइनस मीन तो यहां पर साफ-साफ लिखा हुआ, तीसरे चौथे नंबर पे मैंने यहां पर मेरे को जरूरत पड़ती स्क्वायर की तो ये स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पर वेरिएंस की बात करते हैं तो ये वेरिएंस आपको स्पष्ट कर रहा हूं कैसे क्या-क्या कंडीशन है। लास्ट में मेरे को चाहिए था एच डी तो एच डी आपको प्राप्त हो गया, अतः ये सारी कंडीशनें प्राप्त होगी तो मैं इसका निकाल सकता हूं टी स्कोर, क्या निकाल सकता हूं। अब टी स्कोर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर जैसे जैसे मैं बता ही देता हूं आपको प्रैक्टिकली, यहां देखिएगा सारा का सारा स्पष्ट कर देता हूं, इसमें जो जो चीजें डालते जाएंगे यहां पर ये लास्ट में टी स्कोर आता जाता है, ये टी स्कोर आपका लास्ट में यहां तक जो है घटता बढ़ता बढ़ता रहता है। अब ये कंडीशन है कि आपकी शिफ्ट में उस टाइम कितने स्टूडेंट जो है आपके पेपर दे रहे हैं उसके आधार पर घटता बढ़ता, मैं प्रैक्टिकली बताता हूं कि कैसे घटेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं नंबर ऑफ बदल देता हूं, कोई स्टूडेंट ज्यादा आगे कम आगे, तो यहां पर देखो ये 15 लिखा हुआ था, इसको मैं चेंज कर देता हूं और चेंज करके मैं 10 कर दिया, तो देखो वहां चेंज होगा, देखना वो बदल गए, देखो यहां पर, देखो ये यहां पर कितने थे ये बदल गए हैं। आप गौर से करना, देखो इसको दोबारा चेक करना, यहां 60 लिखे हुए, यहां 52 लिखे हुए, यहां पर 48 लिखे हुए, यहां पर 52 लिखे हुए, ये चेक चार सीक्वेंस याद रख लो। देखो जैसे ऊपर के एग्जांपल बताता हूं सभी में बदलाव होगा, मैं यहां 18 की जगह देखिए चेंज करके कितना लिख देता हूं, 12 लिख देता हूं, आप देखना आप उसको गौर से, ये देखो यहां पर 62 हो गए, यहां पर कितने हो गए, 54 हो गए, यहां पर 38 और यहां पर 54, तो बदल गया, प्रत्येक का अलग अलग आएगा। यहां से जो कंडीशन है इस फॉर्मूले में सारी चीजें रखने के बाद सीधा सीधा टी स्कोर आ जाएगा, क्योंकि सारी चीजें उनको प्राप्त होगी। अब तो कुछ नहीं, फॉर्मूले में डालना है और निकालना है, डालना और निकालना, ये कंडीशन आपकी हो जाएगी। तो आप देख लो इसमें मैं कई चीजें चेंज कर, दो तीन चीजें और बताता हूं चेंज करके, देखो है ना, यहां पर फिर इसको चेंज कर देता हूं मैं, देखो मैंने रख दिया है यहां पर, देखिएगा 5 और यहां पर रख देता हूं मैं, देखिएगा 2-3 को बदलकर बताता हूं एक साथ में, यहां पर रख दिया 20, आगे और बदलता हूं, देखिएगा यहां पर कम से कम भी रख सकते हैं अपन, देखिएगा 1-2 में और बदल देते हैं यहां पर। अब देखना गौर से, अभी देखना ये 11, मैंने तीन चीज बदल दी। अब तीन चीज बदलने के बाद देखो यहां पर 52 लिखा हुआ ना, यहां पर कितना लिखा, 45 लिखा हुआ, यहां 42 लिखा हुआ, यहां पर देखो 47 लिखा हुआ, तो देखो चेंज होगा कि नहीं होगा, गौर से देखना आप, इधर उधर गौर से देखना कि यहां पर मैं क्या कर दिया, इधर बदलाव करते क्लिक करूंगा और क्लिक करते देखिएगा जैसे 3-4 में मैंने बदल दिया यहां पर, ये मिनिमम मैंने 2 भी ले लिया, यहां मिनिमम मैंने 2 भी ले लिया, तो 3-4 में मैंने परिवर्तन कर दिया, ये बहुत सारों में परिवर्तन कर दिया। और परिवर्तन करने के कारण देखो, क्योंकि उस टाइम पर कौन कौन से लड़के दे रहे हैं, कैसे कैसे दे रहे हैं, ये सारा परिवर्तन के कारण वहां आपको मैं बता रहा हूं। तो देखो क्लिक करूंगा मैं, क्लिक करते आपके वहां चेंज होगा, ध्यान से देखना उधर, ध्यान से देखना गौर से, क्लिक करते ही वहां पर चेंज हो जाएगा, ये कंडीशन आपके साथ में रहेगी। अब देखो होगा, होया, देखा आपने दोस्तों बदलाव आया, मैं यही चीज बता रहा था, तो वहां आपके बच्चे स्कोर में परिवर्तन आ जाए। इस तरह से जो है सारा का सारा मेमोरी टेस्ट, अब मेमोरी टेस्ट की जगह जरूरी नहीं है यहाँ पर, मैं आपके कोई भी बैटरी सेक्शन 1-2 और लेकर बताता हूँ, जैसे 96 वाला बता दो सर, सही है ये करे हो, 96 का बता दूं तो बता दूं, देखिएगा 96 की बात करता हूँ तो यहाँ 96 रख दिया, कंडीशन सारी के सारी सेम रहेगी दोस्तों,
कंडीशन में कोई बदलाव नहीं होगा। ये सारी चीजें जो मैंने बताई थी ये तो सारी के सारी सेम रहेगी, केवल परिवर्तन कहाँ आएगा ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। बदलाव कर दूं? कर दो सर। अरे फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, आरआरबी द्वारा दिया गया है, ये सारी चीजें भी सेम रहेगी, केवल यहाँ पर इसमें परिवर्तन होगा। और जब यहाँ परिवर्तन तो ऑटोमेटिक सब जगह परिवर्तन होता चला जाएगा, लास्ट में टी स्कोर में परिवर्तन आएगा। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 96 वाला, बता दो एसनो का, बता दो सर, बता दो। तो मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो 96 में से बंदा 96 ले आया, यहाँ 90 ले आया, यहाँ 75, यहाँ 75 ले आया, यहाँ देखो 77, और यहाँ देखो, यहाँ पर बात देखिएगा, बात बताता हूँ एक एक चीज़ को, यहाँ 70 ले आया, देखो यहाँ 70, और यहाँ देखिएगा बंदा 50 ले आया, ये 60 ले आया, इसके बाद देखिएगा बंदा, और इसे बदलाव कर रहा हूँ, आप गौर से देखना इन बातों को। और मैं इसीलिए आपको देखिएगा 2-3-4 तरीके का जो है यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। 45 लिख दिया मैंने यहाँ पर, इसके बाद यहाँ 12 लिखा हुआ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ 96 में से करने हैं। 96 में से बंदा 96 भी ला रहा है, एक दो तीन जगह 96 भी ला सकता, जरूरी नहीं है। बहुत सारे बंदे होशियार होते हैं, 15 में से 2 लड़के ऐसे मिल गए, 4 लड़के ऐसे मिल गए जो 96 ही ला रहे हैं, तो ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखता आ रहा हूँ, तो देखो 87, 85, ऐसे कई स्टेप आपके सामने आ रही है, देख रहे हो, गौर से देख रहे हो, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। हो सकता बहुत सारे लड़के और कम लाए, बहुत सारे लड़कों ने वैसे टेस्ट करने के लिए दिया हो तो उनको पता ही चल रहा, बहुत सारे देख करके जो उस टाइम के लिए थोड़ा बात करने लगे, ऐसा कुछ हो सकता है, कंटिन्यूस कर रहे हैं, ऐसी स्टेप आपके हो सकती है। तो टोटल कितने हो गए, देखो बदलाव हो गया 1050 यहां कंडीशन से, ये लास्ट में कितना हो गया 1100, देखो बदलाव हो रहा टोटल। तो मैं 96 के हिसाब से देखूं दोस्तों, तो यहां पूरा का पूरा देखो, गौर से देखो, बदल दिया ना। और ये बदलते मेरे दोस्तों सम ऑफ करेक्ट आंसर, तो कितने करेक्ट आंसर थे टोटल, ये आगे जनाब, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 15 है, ये आगे जनाब कितना आ गया अधिकतम 75, कितना आ गया अधिकतम 75, अरे ये क्या आया मीन, और वो एक्स की कंडीशन भी यहाँ उसी हिसाब से चल गई दोस्तों। ये देख लो सारी की सारी कंडीशन से, यहाँ ये एक्स है टोटल, तो एक्स मैंने 96 का 96 लिख दिया, 90 का 90 लिख दिया, 75 का 75 लिख दिया, 77 का 77 लिख दिया, 70 का 70 लिख दिया, 60 का 60 लिख दिया, 50 का 50 लिख दिया, 45 का 45 लिख दिया, ऐसे अंत तक लिख दिया। देख लो गौर से, मैंने यहाँ अंत तक लिख दिया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ माइनस कर दिया है, किसको माइनस किया, मीन को, और मीन निकाला था तो अपने 75 आया था, मीन को माइनस करने के बाद ये प्राप्त हुआ। और इसके बाद आपको पता है मेरे को वापस इधर जाना पड़ेगा, एचडी निकालना पड़ेगा। एचडी निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले वेरियंस का पता चलना चाहिए कि वेरियंस क्या चीज़ है। वेरियंस के लिए फॉर्मूला सिग्मा कोष्ठक एक्स माइनस मीन का स्क्वायर वर्ग है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए टोटल इनकी संख्या बदल गई है। आप सोच रहे थे सर वो तो चूस का बताया था, मैं किसी का भी पूछ लो ना यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके। यहाँ पर टोटल कितना, ये देखिए 2836 यहाँ पर कंडीशन, तो वेरियंस में 2836 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल 190 आ गया। तो यहाँ 190 का मेरे को क्या करना पड़ेगा, रूड 190 का रूड होता है राउंड फिगर में 14, होता राउंड फिगर में 14, ये कंडीशंस होती है। यहां पर एक एक चीज, अब टी स्कोर निकालने के लिए फॉर्मूले में डाल दो, 50 सही रहेगा, 10 सही रहेगा, एक्स का निकाल दो, मेन का निकाल दो, एचडी डाल दो, एचडी 14 डाल दो, ये डालने के बाद आपको टोटल यहां पर ऑटोमेटिक टी स्कोर प्राप्त हो जाएगा। ये जो आपको प्राप्त हो रहा है सारा का सारा टोटल स्कोर है, ये प्रत्येक स्टूडेंट का अलग 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 आएगा, जितना जो ज्यादा करेगा। हो सकता है कि आप 96 करने के बाद भी आपका टी स्कोर कितना ना है, 96 के बाद भी आपका टी स्कोर कितना ना आए, यहाँ कंडीशंस देख सकते हो। अतः मैंने आपको ये भी बता दिया, 40 जरूरी नहीं है आपका 80 आ जाए, 96 के बाद जरूरी नहीं आपका 80 आ जाए, वहां पर जरूरी नहीं आपके कम भी आ सकता है। जैसे 96 इसने बंदे ने किए पहले वाले ने, लेकिन यहाँ कितना आ रहा, 65 आ रहा कि नहीं आ रहा, ये उसके अकेले के ऊपर नहीं है। उस शिफ्ट में कितने डफर लड़के बैठे हुए हैं, कितने कमजोर लड़के बैठे हुए, उस शिफ्ट में हो सकता है ब्रिलियंट बैठे हो तो आपका 80 भी आ जाएगा, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट पे ऊपर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट के ऊपर है। एक चीज और बताता हूँ, इसमें एक्यूरेंसी कोई मैटर नहीं करती है। इसमें आप भी सोचते हो नहीं सर मैंने 2-4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो क्या हो गया, वो तुम्हारे ऊपर नहीं है, वो टोटल टी स्कोर आएगा वो एक का नहीं आएगा, दो का नहीं आएगा, सबका आएगा। लेकिन यूं है कि कोई ज्यादा से ज्यादा करेगा, अरे माइनस मार्किंग नहीं, आपको मैक्सिमम मिशन ये होना चाहिए कि अधिकतम करे, तो टी स्कोर आपका अधिकतम आएगा। और ध्यान रखना 42 पासिंग के लिए जरूरी है, अतः यहां पर 42 आपका आ जाता है। कितने में से
ध्यान रखना, ये टी स्कोर, यहाँ जो कंडीशन आपको ये कंडीशन आपके साथ टी स्कोर जो है 42 आना चाहिए, ये कंडीशन आपके आना चाहिए, इस तरह से ध्यान रखना। टोटल टी स्कोर कितना आना चाहिए 42, मतलब ये लड़का फेल है, ये लड़का फेल है, ये पास है, यहाँ पर जो भी 42 के अंतर्गत आता है वो पास है, इससे कम वाले फेल है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना। इस बेस पे है, इस बेस पे है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अतः पूरे करना है, मैक्सिमम करना है, अधिकतम करना है, यही प्रयास आपका होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वैसे जरूरी नहीं है कि आप यहाँ 96 के अलावा बहुत सारे वीडियो जो कर सकते हैं, मैं बैटरी सेक्शन का सभी बताऊंगा तभी बात होगी, तभी बात होगी, मैंने दो में बता दिया, बात बहुत है, इनफ है, समझ गए ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आया ना, तो आप शेयर लाइक और सब्सक्राइब करोगे ना, लेकिन उसके लिए ध्यान रखना, अब कोशिश आपकी जारी रहना चाहिए, और यही है, अब आपको नहीं घबराना, आप आ सकते हो कोटा राजस्थान, कहा सकते हो कोटा राजस्थान पढ़ने के लिए, टेस्ट सीरीज आप घर बैठे भी कर सकते हो चाहे तो, है ना, आपको मिल जाएंगे 100 से प्लस सेट जाएंगे, अलग अलग के अलग अलग मिल जाएंगे, पर्टिकुलर के अलग मिल जाएंगे, और टी स्कोर वगैरह टोटल ए टू जेड चीजें मिल जाएंगी, एक्यूरेंसी में पारदर्शिता मिलेगी, कोई चीज की कमी नहीं होगी, अतः टी स्कोर भी कर सकते हो। और मैं तो यूं कहूंगा, एक बार मौका नहीं जाना चाहिए आज से, कह देना, क्योंकि बाद में चांस रह जाता कि एक बार कर लेता तो मैं यकीन से कह रहा हूं, आ जाइए दोस्त, अभी भी चांस आपके पास 7 डेज का, आराम से कर सकते हो, डन कर सकते हो। उम्मीद है आप ये मेरी बात को फॉलो करके जितना जल्दी हो सके कोटा राजस्थान पधार सकते हो, तो बहुत बढ़िया होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन आपको 8 से 10 घंटे क्लास मिल जाएगी, और बात बता दूं जिसमें 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे आपके जो है ऑफलाइन मिलेगी, और 5-7 घंटे आपको जो है कम से कम ऑनलाइन क्लास आपको मिलेगी, जिसको लैब में आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, लैब में आपको प्रैक्टिकल कर सकते हो। उम्मीद करता हूं यहां से हजारों की संख्या में लड़के पढ़ के गए हैं और आप भी आओगे इसी तरह से। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।